कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारों। संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। जब किसी के अंदर कुछ कर दिखाने का साहस और दृढ़ शक्ति होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। इन परेशानियों का सामना करके वो अपनी मंजिल पा ही लेता है। ऐसा ही कर दिखाया उत्तर प्रदेश के अमेठी के जामो ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत अचलपुर गांव की रहने वाली छात्रा दीपिका ने। दीपिका जन्म से दिव्यांग है, उनके दोनों हाथ नहीं है। इसके बावजूद वो कभी निराश नहीं हुई और सारा काम अपने पैरों से करती है। यहाँ तक कि उनके अंदर इतनी पढ़ने की ललक है कि वो पैरों से ही पढ़ाई लिखाई भी करती है। गौरतलब है कि दीपिका दोनों हाथों से दिव्यांग है, फिर भी अपने मजबूत इरादों के साथ वो सारी बाधाएं पार कर रही है। वो अपने हाथों से नहीं अपने पैरों से सफलता की नई इबारत लिखना चाहती है। दीपिका ने गिरजा भगत सिंह बालिका इंटर कॉलेज से हाई स्कूल में 75% और इंटरमीडिएट में 62% अंक लाकर परीक्षा उत्तीर्ण की है। इतना ही नहीं, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने एक निजी महाविद्यालय में प्रवेश भी लिया है। दीपिका का कहना है कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार के साथ देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहती है। घर में पैसों की समस्या है और शासन प्रशासन की किसी योजना का भी लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है भैया? दीपिका। मेरा नाम दीपिका है। दोनों हाथ से आप दिव्यांग हैं, किस तरह से पढ़ाई करती हैं? हाई स्कूल इंटर दोनों आपने अच्छे अंक के साथ पास किया है। सर, मैं अपने पैरों से ही लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। हाई स्कूल इंटर मैंने अपने पैरों से लिखकर पास किया है और पैरों से ही सब कुछ करती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ और पैर से ही लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, सब काम करती हूँ पैरों से। पढ़ाई करके आगे आप क्या बनना चाहती हैं? सर, मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ और कुछ बनकर दिखाना चाहती हूँ। अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए आपको अभी किस तरह की चुनौती सामने आ रही है? सर, मुझे पैसों की बहुत प्रॉब्लम है सर, और मेरे पापा मेरे लिए करते हैं सब कुछ वो ही, और सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली हुई है और वही मुझे पढ़ाते लिखाते हैं। आप दिव्यांग हैं, ऐसे में पेंशन हुआ, पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप हुआ या फीस में छूट हुआ, इन सब योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? जी नहीं, सरकार से मुझे कुछ कोई सुविधा नहीं मिल रही। कोई जनपद के अधिकारी या जनप्रतिनिधि आपकी मदद करने के लिए अभी तक आ गया है? सर नहीं, कोई आपको देखने नहीं आया? जी नहीं। क्या चाहती हैं शासन से, सरकार से और जनप्रतिनिधि से, क्या मांग करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि सरकार मेरी मदद करे मेरी पढ़ाई लिखाई में, और पैसों की बहुत प्रॉब्लम है सर, और सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो मुझे अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने के लिए मेरी मदद करें। वही जब इस बारे में छात्रा के पिता से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि अमेठी शासन और प्रशासन या किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। यहां तक कि छात्रा को दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा, जबकि पेंशन के लिए एक साल पहले ही आवेदन कर दिया गया था। हालांकि अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उनका कहना है कि वो खेती करने वाले एक छोटे से किसान हैं, उनके पास और कोई रोजगार नहीं है। वो खेती का काम करते हैं और उसी से अपनी बेटी का पढ़ाई का खर्च शुरू से उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार द्वारा बेटी को अच्छी सुविधा मिल सके ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे और जीवन में आगे अपना भविष्य उज्जवल कर सके। ये बताएं, आपकी बिटिया दिव्यांग है, दोनों हाथों से पैर से लिखती है, हाई स्कूल भी अच्छे मार्क्स के साथ पास किया है, इंटर भी इस बार पास हुई है, तो किस तरह की योजनाओं का लाभ शासन से मिल रहा है, जिला प्रशासन से मिल रहा है? हमें ना जिला प्रशासन से और ना शासन से किसी भी तरह का जो लाभ नहीं मिला हमारी बेटी को। मैंने अपने आप बच्चे को पढ़ाया है शुरू से लेकर आज तक, जो भी फीस हुई मैंने स्वयं उसके दिया है। आर्थिक समस्या है, कृषि करता हूँ, कोई मैंने जो है रोजगार नहीं हमारे पास, ना पैसा का कोई स्रोत है। अपने आप मजदूरी मतलब बेस पे मतलब पढ़ाई टीचिंग वाला काम करके अपने पढ़ाया है और किसी भी तरह का योजना का लाभ नहीं मिला सर। दिव्यांग है, दोनों हाथ से दिव्यांग है, दिव्यांग पेंशन या और कोई योजना का लाभ इसको जो मिल रहा हो? जी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फॉर्म डाले हैं, अभी आया नहीं पेंशन किसी भी तरह का, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अभी आया नहीं। कितने दिन पहले डाले थे?
एक साल हो गए। एक साल से अभी तक नहीं मिला? जी नहीं सर, अभी नहीं मिला। तो क्या चाहते हैं शासन से, शासन और सरकार से क्या मांग है? हम चाहते हैं हमारे बेटी को अच्छी से सुविधा दी जाए, ताकि वो अपने भविष्य में कुछ बन सके, पढ़ सके, अच्छा सा जो है शिक्षा ग्रहण कर सके, ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके और अपने पैर पर कॉन्फिडेंस के साथ निर्भर हो सके। ये मैं चाहता हूँ सरकार द्वारा सुविधा दी जाए, ताकि मैं उसे अच्छे से शिक्षा दिला सकूँ। दीपिका की ये कहानी हर किसी को प्रेरित करती है कि जीवन में बाधाओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरने की ठानी। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से मदद न मिलना काफी निराशाजनक है। प्रशासन को मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द छात्रा की मदद करनी चाहिए, ताकि वो अपने साथ समाज का और देश का नाम भी रोशन कर सके। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अमेठी से संवाददाता राम कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।